नाजिम इस वक्त मौजूद है हमारी कश्मीर की फर्स्ट प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर और जो कि पहली फीमेल फुटबॉल कोच नादिया निगहत, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। खैर मुकदम है नादिया आपका न्यूजम है, तो सबसे पहले अपना छोटा मोटा सा तारुफ दीजिएगा। वैसे तो आप तारुफ के किसी मोहताज नहीं है, सिर्फ जो लोग जिन लोगों तक आप पहुँचे हैं उन तक थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नादिया निगहत है, मैं कश्मीर की पहली महिला फुटबॉल कोच हूँ और मैं रामबाग इलाके में रहती हूँ। तो मेरा जो फुटबॉल है वो 2007 से जो मेरा फुटबॉल खेलना शुरू हुआ था, तो जबकि मैं बहुत छोटी थी, तो मैं 12 साल की थी जब मैं फुटबॉल खेला करती थी। और जबकि मुझे ये नहीं पता था कि फुटबॉल कोई गेम है, तो फुटबॉल कैसे खेला जाता है और फुटबॉल में आगे जाकर क्या करते हैं वो मुझे तब पता नहीं था। अगर आपकी जर्नी के हवाले से बात की जाए तो किसको देख के इंस्पायर हो या आप, और किसको देख के आपको पिच कर गए नहीं आई हैव टू बी अ फुटबॉल प्लेयर? जबकि मैंने फुटबॉल खेलना शुरू करा एंड दैट टाइम आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो मुझे काफी अच्छा लगता था कि मैं फील्डिंग जब करती थी तो मुझे काफी अच्छा लगता था कि मैं बॉल जो पैर से लाया करती थी। तो फिर जब मैंने ये बड़ा बॉल देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा कि नहीं, बड़ा सा बॉल मिल रहा है और किक करने को मिल रहा है। तो लाइक मेरा मोटिव था कि आई हैड टू किक द बॉल, सो मेरी खुशी उसी में थी कि किक मिल रही है। तो फिर जब मैंने खेलना शुरू किया तो उसके बाद ही कि कोच ने हमें बोला था आप मैच देखा करें टीवी पे, तो उससे क्या होगा आप सीख सकते हैं खेलना। तो जो ही मैंने टीवी ऑन किया तो मैच चल रहा था, तो मेरी नजर पहले ही रोनाल्डो पे गई। और जब मैंने रोनाल्डो को देखा खेलते हुए तो मैंने देखा एंड वो गोल स्कोर कर रहे थे, उनका सब कुछ मैंने देखा, एक एटीट्यूड मैंने उनका देखा, तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद से मैंने उनको ही फॉलो किया। अगर बात करूँ मैं कश्मीर के माहौल की, तो यहाँ पे फुटबॉल का या बाकी दीगर जो भी गेम्स हैं उनमें लड़कियों का जो शोबा है वो काफी पीछे है। आप एज अ गर्ल कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी इस फील्ड में अपना अनुभव बनवाने के लिए? जैसे कि मैं पहली लड़की थी जो मैं लड़कों के साथ खेला करती थी, और उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे कि हमारे नेबर्स हैं, हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, तो वो हमारे घर वालों को बोलते थे कि देखो आपकी बेटी जा रही है लड़कों के साथ जा रही है, तो आप इसे क्यों जाने देते हो। तो बाद में फिर मुझे भी सुनना पड़ता था घर में आके कि आप ऐसा कर रहे हो कि आप मत जाओ। तो वो चीजें, वो रुकावट तो बहुत सारी आई। और अगर हम देखेंगे उस टाइम पे तो खाली मैं एक लड़की खेलती थी, और आज हमारे पास पूरे कश्मीर में 300 लड़कियां हैं जो फुटबॉल खेलती है, और उसके बाद भी हमारे 32 गर्ल्स ने ऑलमोस्ट नेशनल खेला हुआ है अंडर 14, अंडर 17 एंड सीनियर। तो अभी भी काफी अकेडमीज है जो चल रही है कश्मीर के अंदर जहाँ पे लड़कियां ट्रेन हो रही है। अगर आपके प्रोफेशनलिज्म की बात करें, आप एज अ फर्स्ट फीमेल कोच है, सो हाउ डू यू टैकल द सिचुएशन एज यू मेट द गर्ल्स ऑन द डेली बेसिस? कितनी लड़कियां आपके अंडर काम करती हैं या ट्रेन हो रही हैं? जबकि पहली बात यह है कि मेरा भी ड्रीम था कि मैं एज अ कंट्री के लिए एज अ प्लेयर खेलूं, तो कुछ ऐसे रुकावटें आई कि मुझे एज अ प्लेयर थोड़ा कम होना पड़ा और मुझे कोचिंग फील्ड में आना पड़ा। एंड आई वॉज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड जब मैं कोच बनी थी 2015। तो उस टाइम पे मैं कोच क्यों बनी कि जब मैंने लड़कियों से बात की कि आप भी आ जाओ खेलने के लिए, तो वहाँ पे पेरेंट्स का ये इशू था कि दे वांट फीमेल कोच। तो हमारे यहाँ पे फीमेल कोच तो नहीं थी। अगर कोई लड़की, हम बोलते थे कि अरे आप सीनियर हो, आप मिस का आपको थोड़ा सा आता, इवन पीटी टीचर जो स्कूल के अंदर होते थे, तो वो भी एक फुटबॉल में प्रोफेशनल नहीं थे। तो अगर हमें ट्रेन होना है तो हमें एक प्रोफेशनल कोच की जरूरत है। तो इसीलिए मुझे कोच बनना पड़ा, और जबकि हमारा ये स्टेप था कि हम लड़कियों को ट्रेन करें। और जब मैं कोच बनी उस टाइम पे लड़कियां नहीं आई, तो मेरी शुरुआत भी मैंने लड़कों की एकेडमी बनाई। उसके बाद मैंने डी लाइसेंस किया 2015 में, तो दोबारा वही हुआ कि मैं कॉलेज में गई लड़कियों को लाने के लिए, तो लड़कियां आई एक दो दिन और तीसरे दिन नहीं आई। तो उसके बाद हुआ कि लड़कियां आई नेशनल खेला और नेशनल के बाद वापस चली गई। तो ये कंटिन्यू चलता रहा कि लड़कियां आई चली गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इश्यूज आ रहे थे, फैमिली प्रॉब्लम्स या कुछ और प्रॉब्लम्स होती थी, इवन स्टडीज उनको पढ़ना था, तो ऐसी ऐसी चीजें आती गई। पर अभी का देखेंगे तो अभी तो काफी अच्छा है, हमारे पास लड़कियां काफी अच्छा खेल रही है। और वो सिचुएशन जब मेरे साथ हुई कि लड़कियां आ रही थी जा रही थी, तो मुझे भी किसी टाइम तक लगा कि नहीं शायद ये गलत है कि लड़कियों को लाना, लड़कियों को खिलाना, इवन मैं भी लड़की हूँ मुझे भी मौका नहीं मिल रहा है खेलने का। लेकिन उसके बाद जब मैं कोच बनी, मैंने फिर देखा एसोसिएशन में जाके देखा कि क्या क्या हम लड़कियों को खिला सकते हैं, और अभी तक हमने क्या किया, हमने काफी सारी लड़कियों को नेशनल इवन इंडियन वुमेन लीग भी खिलाया हुआ है। अगर बात की जाए एज ए, जैसे आपने बोला कि वुमेन्स को खेलना है, लड़कियों को खेलना है, उन्हें आगे ले जाना है, डू यू थिंक द पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स सपोर्ट, जैसे आपको मिला तब आपको आप आगे आइए, आप अपने फुटबॉल में अपना करियर बनाया। अगर बात की जाए पेरेंट्स सपोर्ट की,
क्या लगता है आपको कि कितना जरूरी है एक बच्चे की नशोनुमा के लिए या उसके कैरियर के लिए कैरियर बिल्डिंग में पेरेंट्स सपोर्ट होना कितना जरूरी? क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जिनकी बेटियां खेलों के फील्ड में आगे जाना चाहेंगे? देखिए, हम ज्यादा देखिए कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बाद में बोलते हैं कि अपनी बेटियों को बोलते हैं देखो वो लड़की को देखो कितना आगे गई और आप घर में बैठे हो, तो पेरेंट्स ये नहीं देख रहे कि क्या हमने इनको जाने दिया, क्या जब हमें बच्चे ने बोला कि हम कुछ करना चाहते क्या हमने तब उनको सपोर्ट किया? तो वो चीज है, जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तब तक एक बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि दुनिया वाले तो कुछ भी बोलेंगे पर हम वो ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते जब हमें अपने पेरेंट्स कुछ बोलते हैं। तो मस्ट है पेरेंट्स, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अगर आपके बच्चे कुछ करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उन्हें परमिशन दीजिए, जब तक आपका साथ नहीं होगा तब तक आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने बच्चों को साथ दें और अपने बच्चों को भी अपने कश्मीर का नाम अपनी कंट्री का नाम आगे बढ़ाने दीजिए। बहुत शुक्रिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ नादिया निगर, जिनके मुताबिक जो है पेरेंट्स का सपोर्ट ही वाहिद ऐसा सपोर्ट है जो कि बच्चे की जहानत के लिए उसकी नशोनुमा के लिए मैटर करता है। बाकी दुनिया का तो काम है कहना, वो तो कहेंगे, लेकिन आप एज अ पेरेंट मतलब समझदारी का काम निभाए। अगर आपके बच्चे किसी फील्ड में किसी शोबे में जाना चाहते हैं तो प्लीज उन्हें सपोर्ट दें। बने रहें न्यूज़ के साथ। श्रीनगर से मैं तरंग खान।